राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से न्यूमोलॉजी का बड़ा ही सिंपल टॉपिक है ना। बहुत सारे क्लाइंट ने मुझे बताया, पूछा कि सर सेल्फिश नंबर कौन सा होता है। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी नंबर, है ना। ऐसे लोग जो सिर्फ अपना काम निकल आए उसके बाद आपको पूछते तक नहीं, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपको देखेंगे नहीं उलट कर, बस उनको अपने काम से मतलब होता है। अपना काम निकल आया फिर उसके बाद तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, उस नंबर को सेल्फिश नंबर कहा जाता है। इसका हिंदी में सिंपल मीनिंग होता है स्वार्थ नंबर। आप लोगों को इससे पहले मैंने बनाकर दिया है लेजी नंबर, है ना, कि कौन कछुए की तरह, ये सॉरी खरगोश की तरह बहुत तेज दौड़ता है, उसको लेजी नंबर कहा जाता है। लेजी का मतलब होता है नंबरिंग नंबर सोमनिमोलॉजी में। ऐसे लोग जो बहुत मेहनती तो बहुत होते हैं, बहुत फास्ट दौड़ते भी हैं, महीना में 15 दिन 20 दिन काम भी करते हैं, लेकिन वो उसको ऐसा सो जाते हैं कुंभकर्ण की तरह 6 महीने, जिसको कि हम लोग लेजीनेस उनके अंदर आ जाता है 15-20 दिन 15 दिन काम करने के बाद। उसके बाद उनके साथ 3-3 महीना 6-6 महीना तो वो कुछ काम नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को लेजी कहा जाता है। और वो वीडियो भी मैंने आपको बना कर दे दिया है। ये है सेल्फिश, है ना। ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको सेल्फिश बनाता है वो मैं बाद में बताऊँगा। वो ड्राइवर कंडक्टर दोनों में अप्लीकेबल होता है, लेकिन कंडक्टर नंबर एज ए जो नंबर है वो सेल्फिश होता है, वो कंडक्टर नंबर बहुत ज़्यादा होता है। मैं बताऊँगा अभी कौन सा नंबर। इससे पहले कि मैं बता दूँ कि आप लोगों का मेरा आज की डेट में 100 है ना, 39 या 37 ऐसा ना प्रेडिक्शन सही हो चुका है यूट्यूब का। 100% ऑनलाइन 11 महीने के अंदर राधे राधे कृपा से आप लोगों के मैंने फैमिली पैकेज इंडिविजुअल पैकेज का वीडियो अपलोड कर दिया है। फैमिली पैकेज के अंदर ₹6,999 में 4 व्यक्ति का, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे का नेम न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करवाई, अपने पूरे परिवार में सुख शांति समृद्धि लाई, अपने जीवन को रॉकेट की तरह आगे बढ़ाइए। इससे सस्ता ऑफर आपको पूरे हिंदुस्तान में अभी कोई नहीं दे रहा है। मैं ये ऑफर आपका दुर्गा पूजा से शुरू हुआ है, दिवाली छठ पूजा तक रहेगा। अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर मैं आगे देखूंगा कि उसको क्या करना है, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। और ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स में एडमिशन लीजिए अगर आपको घर बैठे मान सम्मान के साथ लाखों रुपये कमाना है, तो आज भी देरी नहीं हुई है। अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स को बताइए, लेडीज जेंट्स और रिटायर्ड पर्सन के लिए तो वरदान कोर्स है ये, घर बैठे मान सम्मान के साथ लाखों रुपए कमाने का। जाइए अभी का भी एडमिशन लीजिए, अपने भाग्य को संवारिए और अपने जीवन में है ना 100% सुख शांति समृद्धि लाइए। और न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सब्सिट्यूट नहीं है। सब्सिट्यूट का मतलब है चाय कॉफ़ी, चाय पी लिए कॉफ़ी की जरूरत नहीं, कॉफ़ी पी चाय नहीं। ये कार और पेट्रोल की तरह है, जिस तरह से कार जो है बिना पेट्रोल के नहीं चलती, बिना इंक के पेन नहीं चलता, उसी तरह से न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना बहुत जरूरी है। मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का कंपैरिजन करके बताऊंगा। न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंपैरिजन जो होगा वो होगा सिमिलर कंपैरिजन के, दोनों क्या करता है उसका क्या फ़ायदा है वो जानना बहुत जरूरी है आप लोगों की, तो आपको समझ में आएगा न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना क्यों जरूरी है। एनीवे अब मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट सेल्फिश नंबर इन न्यूमोलॉजी है ना सेल्फिश, और वो ड्राइवर कंडक्टर के रूप में होता है। जो न्यूमोलॉजी में वैसे तो देखा जाए 1 नंबर 4 नंबर और 9 नंबर वाले बहुत सेल्फिश होते हैं, है ना, फायर नंबर है, लेजी भी होते हैं, सेल्फिश भी होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर है जो बहुत सेल्फिश बहुत मतलबी नंबर होता है वो 1 नंबर होता है। स्पेशली 1 नंबर अगर आपका भाग्यांक है, जिसको ड्राइवर नंबर बोलते हैं, है ना, सॉरी कंडक्टर नंबर बोलते हैं, ड्राइवर नंबर नहीं, 1 नंबर ड्राइवर हो तो सेल्फिशनेस 50% आप सेल्फिश होगे, और कंडक्टर होगा भाग्यांक रूप में होगा तो ये 100% सेल्फिश बनाएगा, मतलबी बनाएगा आपको। और ऐसा मतलबी बनाएगा कि आप ऐसे लोग मुंह में राम बगल में छुरी वाला स्थिति में रहते हैं, आपकी खूब प्रशंसा करते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आप बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकाल लेंगे। स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं, अपना काम निकल गया फिर उससे आपको कोई, उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर जब जरूरत पड़ेगी आप देखेंगे ऐसे लोग सालों साल आपसे मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन जैसे ही आपका उदय हुआ, सूरज की तरह आप उगने लगे, आपकी तरक्की होने लगे, फिर से ही आपके दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे, फिर से आपके जीवन में आ जाएंगे। ऐसे लोग से बच कर रहना चाहिए। ऐसे नंबर में 1 नंबर वाला स्पेशली कंडक्टर नंबर वाला 100% स्वार्थी होता है। ऑफिस में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे आपका अपना काम निकलवा लेंगे, अपना काम आपसे करवा लेंगे, तब तक दोस्ती बनाए रखेंगे जब तक उनका काम नहीं होता है। जैसे काम उनका हुआ आपसे साइड हो जाएंगे, धीरे धीरे करके आपसे अलग होते चले जाएंगे। आप उनके साथ कोई कोर्स सीखने जाइए, कहीं कोई रूम शेयर करिए, कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, सब जगह ये स्वार्थीपन उनका देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि वो हर तरफ कोशिश करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं कि उनका पैसा बचे, आपको पैसा आपका पैसा लगे, इनका पैसा हमेशा बचे,
और फिर अपना काम निकल जाने के बाद ये किसी भी कीमत पे फिर आपके साथ तभी फिर जुड़ेंगे जब इनको अपना काम रहेगा, है ना। अगर एक बार फाइनेंशियली आप इकोनॉमिकली अगर आप कमजोर हो गए थे, ऐसे लोग एक नंबर वाले लोग आपसे एकदम दूर हो जाते हैं, और फिर जैसे आप फाइनेंशियली साउंड होंगे, इकोनॉमिकली साउंड होंगे, फिर से आपसे जुड़ जाएंगे और ये साबित करेंगे कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये फीचर्स एक नंबर वाले का है। चार नंबर, नौ नंबर वाले एकदम ओपनली सेल्फिश है, है ना, एकदम सामने फेस टू फेस सेल्फिश है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात नहीं है। आपसे दोस्ती करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बहुत सिंपल। इनका स्वार्थीपन दूसरे टाइप का है, इसका ये वाला स्वार्थीपन जो है 90% लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं, एक नंबर वाले पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कह सकते हैं 90% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, 10% में 5-5% 4 नंबर 9 नंबर को आप दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप एक नंबर वाले हैं तो आपको पता होगा कि आप कितने सेल्फिश हैं, है ना, आप मुझसे सहमत है कि नहीं है, फीडबैक देकर बताइएगा कमेंट कॉम्प्लीमेंट में। और ये कभी कभी सेल्फिशनेस आपके जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ाता है, ये पॉजिटिव फीचर्स ये भी है, बहुत आगे बढ़ाता है, क्योंकि आपको अलोन कर देता, अकेलापन देता, और अकेलापन देने से आपके अंदर रिसर्च वाली क्वालिटी डेवलप होती है, और जब रिसर्च वाली क्वालिटी डेवलप होती है तो आप बहुत कुछ अकेला वन मैन आर्मी वाला क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है और बहुत अच्छा करते हो, वो पॉजिटिव फीचर्स है। लेकिन नेगेटिव फीचर्स भी जबरदस्त है, है ना, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा कर रखो। और फिर से जाते जाते बता दें कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी बहुत जरूरी है। अगर सच में आपको अपने जीवन में सब कुछ मनचाहा चाहिए, बाय चॉइस चाहिए, बिना बाधा के, बिना ऑब्स्टेकल के, बिना रुकावट के, क्योंकि 95% लोगों के जीवन में जो जीवन है वो है कभी गृद घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। आपने खुद महसूस किया होगा कि आप ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस, उसके बाद भी आपका बैंक बैलेंस नहीं है, सेविंग्स नहीं है, बार बार बीमार पड़ रहे हो, आपके पास स्कूल साइकिल तक नहीं है, स्कूटर नहीं है, कार नहीं है, घर नहीं है, एसी नहीं है, ब्रांडेड कपड़ा नहीं है, अच्छे होटल में खा नहीं सकते हो, जॉब के लिए दर दर भटक रहे हो, और कर्जा दुनिया भर का माथे पे हो गया, बीवी बच्चा बात नहीं मानता है, डिवोर्स डाइवोर्स केसेस तक मौन नौबत पहुँच चुकी है, है ना, और जूनियर सीनियर बन जा रहा है, एक ही जगह पर 10 साल से पड़े हुए हो कंपनी या कॉलेज में, स्कूल में कोई तरक्की नहीं, ना आगे निकलने का साहस हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम तब होती है जब आपका डेट ऑफ बर्थ आपका नाम का फ्रेंडली नहीं होता है। जैसे ही होगा, न्यूमरोलॉजी कराओगे, एस्ट्रोलॉजी कराओगे, आपका ऐसा भाग्योदय होगा कि आप सोच नहीं सकते हो, आज जीवन में रॉकेट की तरह आगे बढ़ोगे, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे जब तक जीवित रहोगे, है ना। इस बात की गारंटी वारंटी मैं देता हूँ कि माध्यम मैं बनूंगा। आशीर्वाद राधे राधे। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बिगनिंग।